नमस्कार, मैं हूं वात्सल्य त्रिपाठी और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी पुरानी मुहर्रम मंडी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन पर उमड़ा भारी जनसैलाब। जी हां, आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के महादंगल में अखिलेश यादव विपक्ष पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव के आगमन पर बाराबंकी समाजवादी कार्यकर्ताओं में खुशियों की लहर इस तरीके की देखने को मिली कि जैसे बाराबंकी में दीपावली आ गई हो। जी हां, आपको बताते चलें कि देखने वाली बात अब यह होगी कि 2022 विधानसभा में क्या समाजवादी पार्टी अपनी ताजपोशी बरकरार रख पाती है या नई जोश, नई लहर, नई हवा सिर्फ लहर बन के रह जाती है। यह तो देखने वाली बात होगी। फिर भी आइए देखते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं JNI न्यूज। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। इस सरकार ने नहीं भरे हैं, समाजवादी सरकार आएगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार ने। ये जो बाबा जी कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, हम अपने नौजवानों को कहके जा रहे हैं 3 साल से फौज की भर्ती भी निकली है, भर्ती निकालेंगे और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को नौकरी देंगे। इसलिए आपसे हम अपील कर रहे हैं, आप खुशहाली के लिए वोट दो, आप तरक्की के लिए वोट दें, आप उनकी मदद करें जो किसान ये सब कुछ कर रहे हैं। तो बीजेपी के लोग घबरा गए हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इस सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की। आज जो राशन बांट रहे हैं, ये राशन गरीबों को पहले नवंबर तक मिलना था, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो जानते हैं, हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे, दिल्ली का जो बजट आया है उसमें अब पैसा नहीं है राशन को लेकर। इसलिए हम गरीबों को कहकर के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन तब तक चलता रहेगा जब तक समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश की सरकार रहेगी तो पूरा का पूरा राशन मिलेगा। राशन के साथ साथ हमारे गरीबों को पौष्टिका खाना भी मिल जाए, उसके लिए चाहे हमें घी फ्री देना पड़े, सरसों का तेल देना पड़े, हम अपने गरीबों को पौष्टिक खाना देने का काम भी समाजवादी सरकार। ये हमारी माताएं मेरी जानती होंगी, 500 रुपया सवारी पेंशन मिलती थी, अब तय किया है 500 नहीं 1500 रुपए महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन।